तुमको चला आता है कि कल सुबह की कॉपी नहीं है तो आपके बैग से मैं निकाल के ले लूंगी। कंबुचा कितने लोगों ने पिया है? सब लोगों ने। मजा आया? एंजॉय किया? पेट में अंदर मजा किया, एंजॉय किया? जितने भी लोग हैं समझ लो, जग भर में अगर कुछ अच्छी चीज आज मिली है डीएक्सएल में तो वो कंबुचा है। हर घर की जरूरत है। एक व्यक्ति को 5 बॉटल लगातार लाइन में, मतलब एक पी लिया छोड़ दिया ऐसे मत करो, लगातार 5 बॉटल शरीर को अंदर आराम से दे देना। नोनी अगेन होप इन द बॉटल, यस उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। रोजेल, कितने लोगों ने रोजेल पिया है? रोजेल पिया है? आपको स्टेबिलाईजर समझ में आता है? पहले फ्रीज में स्टेबिलाईजर चढ़ता था, याद है आपको? फ्रीज लाए तो उसके साथ पहले स्टेबिलाईजर लाते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन होती थी। ये हमारे शरीर के लिए स्टेबिलाईजर की तरह काम करता है। तालियां होनी चाहिए। अगर पीरियड्स के पहले क्रैम्स है या तो आपको वीकनेस लग रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी चीज बोलती हूँ, कोई वेदर मत देखिए कि जब गर्मी आएगी तब मैं रोजेल पीऊंगी। हर माहौल में, हर वक्त, मतलब बारिश हो या तो ठंडी हो या तो बरसात हो, किसी भी पोजीशन में, कोई भी पोजीशन में आप रोजेल पी सकते हो। स्पिरुलिना क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन इसको कहा जाता है, लेकिन मैं चीज बोलूं, आप किसी के पास पूछ लो कि कहां पे खून मिलेगा, क्या किस मॉल में या किस जगह पे खून मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आपको खून एक ही जगह पे मिलेगा, ह्यूमन बॉडी में। एक तो किसी के पास से ले लो या खुद का जनरेट करो। खुद का जनरेट करना अच्छा है, तो तालियां होनी चाहिए। ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिशन में आता है, बहुत सारा पावरफुल न्यूट्रिशन। जहां पे चीजें काम नहीं करती वहां से ये काम करना शुरू कर देता है। सी वक्ता किसने लिया है? नया प्रोडक्ट है लेकिन सभी ने कंज्यूम किया है। कितना अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। और मैंने सुना है आर्मी लोग इसका जूस पीते हैं लेकिन आप उसको गंध, मतलब उसका सुगंध भी नहीं ले पाओगे। लेकिन डॉक्टर लिंग सर्जन ने हमको वो कैप्सूल फॉर्म में दिया। अच्छा है, क्या करना चाहिए? एटलीस्ट घर में जो बच्चियां है, बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनको देना चाहिए। ओमेगा है और एंटी रेडिएशन। 5G कितने लोगों के पास है? 5G मोबाइल कितने लोगों के पास है? तो ये हमारे लिए रेडिएशन लेके आए, तो हमको सी बक्ता लेना बहुत जरूरी है। पेनाक्स जिंसेंग अगेन एक पावर के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। हेल्थी मोम कितने लोगों ने लिया है? सब लोग ले रहे हैं, मतलब मारामारी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन में मजबूती से चढ़ उतर सकते हैं, तभी तो इतने लोग आए हैं। जैगरी, अभी रक्षाबंधन आएगा, बराबर है, गणपति आएंगे। 190 का तो मिठाई मिल रहा है, 190 का 1.25 किलो मिठाई मिल रहा है, बराबर है। क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं? जो त्योहार है उसमें कुछ अच्छी चीज लोगों को खिला सकते हैं? जैगरी बहुत बढ़िया चीज है। हम लोगों तक, हमारे भाई है, हमारे बहन है, हम किसी के घर पे जा रहे हैं दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे ये गिफ्ट लेके जा सकते हैं। गिफ्ट दे सकते हैं किसी के पास, ये अच्छी चीज दे सकते हैं। हाँ, उसको हम इंट्रोड्यूस भी करेंगे, बराबर। मधुरम कुकीज सबको अच्छी लगती है? कुकीज सबने खाई है, एंजॉय किया है, गिफ्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है पिंक सॉल्ट, आपको अगर पिंक रहना है यानी जवान रहना है, एंटी एजिंग। कौन लोग हैं जो बूढ़ा होना चाहते हैं? कोई है हाथ ऊपर उठा रहा है? उससे गलती से हाथ ऊपर किया जाए। कोई लोग बूढ़ा होना नहीं चाहता है, एंटी एजिंग चाहता है, पावरफुल रहना चाहता है, तो उसके लिए पिंक सॉल्ट है। जो पर्सनल केयर के लिए है बहुत जरूरी है, यानी उसी सोप।
बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, आप इसको यूज कर सकते हो। क्या नजीर शैम्पू है ये? क्यों दे रही हूँ? क्योंकि हार्मोन्स में ये चीज भी बहुत मैटर करती है। जब आप कोई चीज आपके सर पे देते हो, दांत पे देते हो या स्किन पे लगाते हो, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। हाँ मैम, डिस्टर्ब करती है। सो यू जो भी आप पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए यूज करती हो, वो भी ऑर्गेनिक होना जरूरी है। अगर बहुत सारा केमिकल शैम्पू आप इधर डाल रहे हो और बहुत सारा न्यूट्रिशन सब कर रहे हो, फिर भी आपके बॉडी को आप इम्बैलेंस कर रहे हो। इसके लिए हमको ऐसी चीजें यूज करनी है जो शरीर को बैलेंस रखे, और हमारे लिए ऑर्गेनिक चीजें बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे? Yes. कैसे एक्सरसाइज करेंगे? डॉक्टर बोलेंगे तब जाएंगे कि डॉक्टर बोलने से पहले जाएंगे? पहले जाएंगे। रीसेट करेंगे माइंड को। मोबाइल तो रीसेट करते हैं, 5G आएगा तो 4G का मोबाइल फेंक देंगे, 5G वाला नया बॉडी लाएंगे। लेकिन इस बॉडी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, आपका योगा, आपका वॉक। कितने लोग हैं सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार आप समझते हैं? सूर्य नमस्कार समझकर कर सकते हैं, तो वो भी आपका माइंड संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। और डीएक्सएल में तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है। कितने लोग सिंगल जानते हैं, किया है? मतलब किया है, खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। वॉकिंग, हर बार से पानी नहीं, हर रोज वॉक के लिए कितने लोग जाते हैं? हर रोज खाने से पहले, खाने के बाद, इधर जाना पड़ेगा, वसंत नगरी में सब भरा भरा हुआ है। तो आपकी बैलेंस के लिए ये बहुत जरूरी और अच्छा काम करता है। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, लाइफ विल ऑटोमेटिकली चेंज। आज जितने भी यहां बैठे हैं ना, सब आपने कुछ चेंज के लिए विचार किया है, इसलिए यहाँ पे आए हो। Yes. कुछ चेंज चाहते हो? Yes. बदलाव चाहते हो? Yes. नहीं तो घर पे बैठते थे, इतना लंबा चल के क्यों आते थे? तो जब आप सोचते हो, आपके विचार अच्छे चलते हैं, तो आप एक अच्छा चेंज आपके बॉडी में लाते हो। हैप्पी हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। आरबीसी चैनल पे इतनी दुख भरी, इतनी चैलेंजिंग कहानियां जब हम सुनते तो क्या लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं।